ज्ञापन आपने मैडम को दिया है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या आश्वासन आपको? हमें मैडम से पूरी पूरी उम्मीदें हैं। मैडम ने हमें बोला है और पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हिंदी और इंग्लिश के ही नहीं सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट्स को बैठाया हुआ है और वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि सच्ची में पेपर अगर आउट था तो उन्होंने बोला है कि आपके साथ जो उचित समाधान आप लोगों का है वो किया जाएगा। और ये सीधा सीधा स्टेट है कि 30 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस था। इवन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी बच्चों को कोई समस्या थी, तो मैडम ने सब्जेक्ट का भी बोला है कि हमने हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ सब्जेक्ट के बच्चे भी बैठाए हैं। और मैडम ने खुद ये बोला है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के मेल वगैरह उनको आए हैं, तो ये मामला उनके संज्ञान में है और वो इस पर पहले से ही काम पे लगे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनमें आपके एस्टेट के जिन्होंने एग्जाम दिए थे जी, उनको आप क्या कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे? उनको मैं ये आह्वान करता हूँ कि मैडम ने हमें बहुत एक पॉजिटिव उम्मीद दी है कि वो हमारे फेवर में हैं और समाधान करना चाहते हैं। फिर भी अगर कुछ उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता है तो हम आगे कोर्ट का रास्ता या जो भी उचित लगेगा आगे के रास्ते देखेंगे हम। और उस ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ भाई साहब रमन भाई साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है, उनके थ्रू हम सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मैडम ने बोला है कि बायोमेट्रिक से पहले इसके बारे में कोई ना कोई अपडेट हमें जरूर दे दिया जाए। रमन जी कितना सीरियस मैडम दिखाई दी आपको, क्या लगा? मैडम तो जो सर पूरे सीरियस दिखाई दे रहे हैं और इनने हमें आश्वासन भी दिया है, बताया भी है कि हमने जो भी कमियां रही हैं स्टेट के लिए उनके लिए हमने कमेटी भी बनाई हुई है, सब्जेक्ट की भी कमेटियाँ बनाई हुई है। आपने ऐसा भी कुछ बोला है कि सिलेबस से तो हम सहमत थे लेकिन टाइम कम दिया गया शायद। टाइम तो सर पीछे से जो जब से स्टेट बोर्ड ने लेना शुरू किया है तब से टाइम तो यही रहता है सर, टाइम का चेंज नहीं है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है पेपर दोबारा होगा या आपकी जो मांग? नहीं, पेपर तो दोबारा करवाना सर बोर्ड के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बोर्ड का खर्चा भी हो जाता है। पेपर तो पॉसिबल नहीं है सर, बट ग्रेस की मार्क ग्रेस नंबरों के लिए बच्चे मांग कर रहे हैं वो जायज है बच्चों की मांगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, एक स्टूडेंट का प्रतिनिधि मेरे से मिलने के लिए आया था रिगार्डिंग एस्टेट एग्जामिनेशन, जिनमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। स्पेसिफिक कंसर्न जो इन्होंने रेज किए वो है हिंदी और इंग्लिश को लेके, तो उसके प्रत्युत्तर में ये जवाब हमने दिया है बोर्ड की तरफ से कि हमने एक्सपर्ट की टीम बिठा रखी है, जैसे ही हमारे पास एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। नहीं, ये इनको आश्वस्त किया है हमने कि जैसे बोर्ड की ये रही है कि रिजल्ट देने से पहले ही बायोमेट्रिक कराई जाती है, तो एक या दो दिन में हम एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेंगे और बायोमेट्रिक से पहले हम लोग इनको बताएंगे कि इनका क्या रहेगा फाइनल। तो मैम ये क्या नाम जो पेपर आए हैं ये किस वजह से आए हैं? ये मैं ये कहूँगी, अभी तक जितना मेरी नोटिस में पेपर आउट ऑफ सिलेबस इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार एचटेट का पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है, तो शायद जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आके कहीं दूसरी जगह से आया, लेकिन शायद सिलेबस के अंदर से ही है। बट फाइनल टिप्पणी मैं तभी दे पाऊँगी जब हमारे एक्सपर्ट उसके ऊपर ओपिनियन दे देंगे। ठीक है।